नजरें कोहली पे हैं, नजरें बाबर के ऊपर हैं। वो क्या गाना था, कहीं पे निशाना कहीं पे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो टॉप आईसीसी रैंकिंग्स, बाबर आजम, इमाम, इफ्तिखार, तीन बैटर्स इस वक्त आपके नंबर फाइव है। काशिफ, बाबर आजम आई लव यू। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एल क्लासिको, मैंने आपको कहा था। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं काशिफ, क्रिकेट पे गहरी नगर रखती हैं। काशिफ, क्या हाल चाल है आपको? अदनान, बहुत जबरदस्त इस वक्त चार्ज हुआ हुआ क्राउड, जो भी हम लोगों ने जिनसे मेरी इंटरेक्शन हो रही है और जो सॉलिडेरिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल जी, मेरे एक्सट्रीम राइट के ऊपर गुरप्रीत जी मौजूद हैं, रंगारंग इंडियन शर्ट के अंदर मौजूद हैं। और गुरप्रीत जी कैसे हैं जी? बढ़िया हैं आप? बिल्कुल जी, वेटिंग फॉर टुमारो मॉर्निंग। और स्पिरिट्स कैसी हैं? ऑल द टाइम हाई। और अब मेरे बाएं जाने पे मौजूद हैं हबीबुर रहमान मौजूद हैं। हबीब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक्साइटेड हैं इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट मैच, इंपॉर्टेंट गेम है। और हमारे एक्सट्रीम बाएं जाने मेरे, आप देख सकते हैं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस टीम के फैन है। पाकिस्तान की 92 वर्ल्ड कप की विनिंग शर्ट पहन के आए हैं, और अगर वो पहन के आए हैं तो मुझे तो आपको पता है कि स्टैट्स उमड़ रहे होते हैं। तो मैं आपको 92 के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इंडिया पाकिस्तान की भी एक स्टैट लेके आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमजा हमारे साथ मौजूद है, ही इज हैविंग अ गुड आई ऑन द क्रिकेट एंड नोज मच अबाउट क्रिकेट एंड द पाकिस्तान टीम इन डेप्थ। हमजा कैसे हैं? सर थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन ऑनर टू जॉइन ऑल ऑफ यू हियर। इट्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गेम एंड होपफुली दिस नाइट बिकम्स a wonderful night and goes into the morning or the Canadian weather improves and we go and see a wonderful game of cricket with the spirit of cricket. The spirit of cricket should enlighten it up and the all around the world cricket should be cherished that way. Cricket ek taraf blue ho chuka hai aur ek taraf hara bhara ho chuka hai aur bharpoor jazbe ke sath hai aur is waqt chai aur kahve ka intezar ho raha hai. Lekin chai aur kahve pe jane se pehle bhi hum jo dinner break chal raha tha उसमें काशिफ ने कहा कि चलो एक जोड़ी नहीं चली तो दूसरी जोड़ी चल गई, जो मिसाली जोड़ी थी बाबर और रिजवान की, जो 2021 का एक ड्रीम रन था पाकिस्तान का, जो मैथ्यू वेड के हाथों अख्ताम हुआ। तो उसके बाद बाबर और रिजवान की जोड़ी में काफ़ी फरोज आए और कुछ ब्रेक्स आए, लेकिन अब इफ्ती की और बाबर की जोड़ी बड़ी कारगर रही और 214 रन फ्रॉम 131 बॉल्स। And specially taking in consideration ke Iftikhar is a part of a little fragile middle order if you compare with Virat Kohli's and Rohit Sharma's India's middle order, it's the highest ever fifth wicket partnership for Pakistan ODI, jahan par Majid Khan ka 35 sala purana record bhi jo toot gaya, 5th wicket ka sharakat ka Pakistan ka, ye ek naya record hai Pakistan point of view se, jahan maine aapko bataya ki रिकॉर्ड रोहित शर्मा का 100% लास्ट 5 ODIs, एशिया कप 5 out of 5, ही नेवर टेस्टेड डिफीट इन द एशिया कप एज अ कैप्टन। वहां पर बता दूं आपको कि पाकिस्तान के लास्ट 20 ODIs पाकिस्तान हैज वन 17 गेम्स, पाकिस्तान हैज लॉस्ट ओनली 3 गेम्स इन द लास्ट 20 गेम्स। पाकिस्तान का बहुत ही मजबूत रिकॉर्ड, पाकिस्तान कम खेला लेकिन जब जब खेला अच्छा खेला। 3 पाकिस्तानी बैटर्स इन द टॉप ICC रैंकिंग्स, बाबर आजम, इमाम, इफ्तिखार, तीन बैटर्स इस वक्त आपके नंबर फाइव के अंदर हैं। बाबर आजम इज राइट नाउ करंटली रैंक्ड एज अ ODI नंबर 1 बैटर, और बाबर की जो 151 का स्कोर था, दैट इज द हाईएस्ट एवर स्कोर बाय अ कैप्टन इन द एशिया कप बाय एनी टीम इन एनी फॉर्मेट इन द एशिया कप। बाबर आजम कंसिस्टेंसी इज सिंपली अनरियल। काशिफ, बाबर आजम आई लव यू, स्टार्ट में इधर से करूँगा। और एक बायसिज्म मेरे अंदर है और एंड आई फील लाइक जिस तरह इन लोगों ने परफॉर्म किया है, अगर मैं देखता हूँ जिस तरह वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ एक्टिंग लाइक एक्सट्रीमली मेच्योर, और हम वो डिपेंडेबल, जो वर्ड डिपेंडेबल है ना,
जो पाकिस्तानी टीम के बारे में कहते हैं कि जी वो आपको एक सरप्राइज देती है, तो वी डोंट वांट सरप्राइज इन अ बैड वे, वी वांट सरप्राइज इन अ गुड वे। तो बाबर आजम की कंसिस्टेंसी चल रही है एंड वी होप एंड वी प्रे दैट ही परफॉर्म्स द सेम वे एज ही डिड इन नेपाल और प्रीवियस इनिंग्स में, और अगर वो क्लिक कर गया डॉक्टर साहब तो आई एम श्योर के वी आर गुड। गुरप्रीत जी क्विक वर्ड्स फॉर द बाबर आजम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उनकी कैप्टनशिप बहुत अच्छी है। एक चीज जो चेंज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में अंडर बाबर आजम, वो जो इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट पाकिस्तान था ना, वो अब कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट पाकिस्तान हो, वेल डन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 में से 17 मैच जीते हैं, नंबर वन ओडीआई टीम है, वो किसी वजह से बनती है। पहले क्या होता था कि वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हरा दिया, अगले दिन आयरलैंड से हार गए, फिर अगली तगड़ी टीम को हरा दिया, फिर आप अफगानिस्तान से हार गए। विच हैज चेंज्ड, पाकिस्तान नाउ प्लेज इक्वली गुड अगेंस्ट ऑल नेशंस, जैसे आपने देखा है, नहीं तो नेपाल के साथ ऐसा नहीं खेलते थे, या बड़ी टीमों के साथ बहुत अच्छा खेलते थे, छोटी टीम से छोटा ही खेलते थे। दैट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। स्किल तो उनके पास शुरू से ही है, कंसिस्टेंसी की कमी थी, वो बाबर आजम लेके आए। जी हबीब, बाबर आजम पाकिस्तान के पर मैं इनकी तायद करूंगा दोनों बातों, मतलब ये मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, मतलब बड़े अच्छे बैट्समैन, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो अब आई है, और सटनली ये कल काम आएगी, मतलब अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है, ठीक है, और बाबर आजम जो है जैसे नेपाल वाले मैच की तरह हमें एक अच्छा स्टैंड मिलता है, तो जो हम वो डाउट जाहिर कर रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर के बारे में, मेरा ख्याल है वो हमारा फिर रिकवर हो जाएगा। हमजा फिर नीचे जाके उन्होंने फिर जैसे कहना कि रन पाइल अप ही करने हैं। हमजा बातें तो हो गई, ये हमने टॉप बातें की जो बच्चे बच्चे को पता है भाई पेपर्स के ऊपर क्या है। कुछ चीजें हम भूल रहे हैं जो अचानक मैच को पलटा सकती हैं और जिनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। कुलदीप यादव वर्सेस इफ्तिखार अहमद, नजरें कोहली पे हैं, नजरें बाबर के ऊपर हैं। वो क्या कहना था, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। तो निशाना है वो इफ्तिखार अहमद पे लग सकता है या कुलदीप यादव पे लग सकता है। कुलदीप यादव वर्सेस इफ्तिखार अहमद, द अंडर रेटेड ड्यूअल बिटवीन कुलदीप, इनके दौरान जो जंग होगी कौन जीतेगा? इफ्तिखार अपनी फॉर्म पीछे से लेके आ रहा है। इफ्तिखार हैज टेकन हिज जब G20 यहाँ पे कनाडा में खेलने आए एक महीना पहले और फाइनल तक लेके गए, इज इन फॉर्म। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द हिटिंग, टुवर्ड्स द पावरफुल हिट्स टू माय अंडरस्टैंडिंग कि वो पीछे से फॉर्म लेके आ रहा है और उधर भी रहे फिर वो T20 लेके आ रहा है, इज इन गुड फॉर्म। तो कुलदीप आर्म्ड विद अ arsenal of variations, मेरे पास उनका स्टैट आ रहा है, recent figures of 3 for 28, Indian premier wrist spinner हैं ये, and 4 for 6, don't forget that Pakistan's middle order, इफ्तिखार तो अच्छा खेलती है स्पिन को, लेकिन अगर वो उनको अर्ली इंट्रोड्यूस कराती हैं और फखर वहां पर आए हुए हैं तो थोड़ी सी पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। I agree, लेकिन to my understanding इतनी जल्दी वो लाएंगे नहीं, नया बॉल है, इंडिया फास्ट बॉलर्स को चांस देगा क्योंकि अर्ली स्विंग भी हो सकता है, वेदर भी कैंडी का ऐसे है, लो स्कोरिंग गेम भी होगा, क्या पता अवर्स भी डिक्रीज हो तो उसकी वजह से वो अपना वाइड बॉल याद नहीं करेगा। कुलदीप यादव वर्सेस इफ्तिखार, कुलदीप यादव जी बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म। जी बताइए जी, युजवेंद्र चाहल को आपने बार किया। सर जी मैं तो जिस तरह आपने कहा मैं वही लेके चलूंगा कि आई विल बी गोइंग विद इफ्तिखार फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिकली हिज परफॉर्मेंस, और जिस तरह वो कर रहा है तो आई बिलीव सो कि ही इज इन फॉर्म राइट नाउ। India versus Pakistan game was sold in less than 60 seconds. ये वाला game भी और World Cup game भी. $50 minimum है price tag Pakistan versus India Super 4 game Asia Cup के लिए. Hospitality tickets $600 मेरे पास list आ रही है per seat. और just for your kind information, FIFA World Cup अभी खत्म हुआ पिछले साल. That is the most watched World Cup in the entire planet. फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल की जो थर्ड पोजीशन गेम्स थी दे वर रेंजिंग फ्रॉम $82 टू 426. एशिया कप गेम एंड द वर्ल्ड कप गेम बीटिंग देम विद, मैथ्स बड़ा कमजोर है, 600 माइनस 412 कितने बने, तकरीबन लगभग $150 के फर्क से इंडिया पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट रिवलरी इंडिया पाकिस्तान गेम। और इसके अलावा आपको क्या बताना चाहेंगे, जरूरी बात, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच बारिश के साए और खतरे जो हैं वो उमड़ रहे हैं, लेकिन मेलबर्न के अंदर मैंने आई विटनेस किया था वहां पर बादलों को, सेम पोजीशन जो इस वक्त कैंडी के अंदर है यही वहां पर थी, 90% चांसेस थे रेन के,
लेकिन आपको बता दूं कि कैंडी में हवा बहुत तेज चलती है, बादल कभी भी वहां पर एक जगह रहते नहीं है, वो स्टैग्नेंट हो जाती हैं, अचानक वो स्टैग्नेंट नहीं रहते, वो फैल जाते हैं, वो फैल जाएंगे, बारिश की चांसेस कम है, लेकिन अगर बारिश होती है तो क्या होगा, दोनों को मिल जाएगा एक एक पॉइंट, बट पाकिस्तान विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द सुपर फोर। भारत को आगे आने के लिए नेपाल की टीम को शिकस्त देनी होगी। आई थिंक आउट ऑफ सेवन सोल्ड आउट गेम्स, जो बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्यों ये ग्रेटेस्ट रिवलरी है। सेवन सोल्ड आउट वर्ल्ड कप गेम्स जो अभी तक हुई हैं, इंडिया में जो टिकट बिक रही हैं, अभी वर्ल्ड कप आना है एशिया कप के बाद, उसमें से फोर ऑफ देम आर फीचरिंग पाकिस्तान। दिस शोज द वर्थ ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम अमंग द इंडियन फैंस। इंडियन फैंस आर डाइंग टू सी दीज, दे आर द फैन ऑफ द पाकिस्तान बॉलिंग। यहाँ पर बाउंड्रीज की कोई शकुको शबात नहीं है कि बाउंड्रीज कहाँ पर हैं। ठीक है, आप अपने मुल्क को सपोर्ट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ ह्यूज फॉलोइंग ऑफ इंडियन बैटिंग एंड इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज फॉलोइंग ऑफ पाकिस्तान्स बॉलिंग। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, योर पिक फॉर द टुमारोज़ गेम। अगर मैं दिल की सुनो तो पाकिस्तान, अगर ऑन द पेपर देखूं तो मुझे 55-45 पे इंडिया हल्का सा ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन मैं तो कहूँगा पाकिस्तान जीतना चाहिए कल। मे दी फेट फेवर दी बेस्ट प्लेयर प्लेयर्स, आई विल गो विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम बेटर फॉर्म में है, इंडिया के प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं जिनकी हमने बात करी है सबकी, दे आर नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। नेट प्ले करने में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। ऑन करंट फॉर्म पाकिस्तान नंबर वन टीम, 55 इन फेवर ऑफ। बिल्ली कहते हैं कि एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मां-बहन जो सीरीज होती है, दैट इज द ओल्डेस्ट राइवलरी। टॉम मूडी जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और इस वक्त स्टार टीवी के पैनल के ऊपर भी मौजूद है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इंडिया रिवलरी और पाकिस्तान इंडिया क्लैश ऑफ टाइटंस जो मैच होता है, ये रिवलरी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जो रिवलरी एशेज की है। इट हैज सरपास्ड वेरी इजीली नाउ द इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बात को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं जब शुरू करूंगा डिस्कशन तो हम बड़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस डिस्कशन से पहले आपको मैं बता दूं पॉइंट ऑफ व्यू एशिया कप हेड टू हेड इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो एशिया कप के अंदर जो रिकॉर्ड है उसमें इंडिया का पल्ला भारी है। इंडिया का पल्ला आज से भारी नहीं है, 1984 के जमाने में जब सुनील गावस्कर इनके कप्तान हुआ करते थे और शारजा कप का मैदान था, शारजा का मैदान था, और श्रीलंका की टीम नई नई वारद हुई थी 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, और जब रविंदर डिसिल्वा, रवि रत्नायके और ऐसे बेशुमार खिलाड़ी दिलीप मेंडस इनके साथ हुआ करते थे, उस वक्त भी पाकिस्तान का बैड पैच हमेशा एशिया कप पे आके टूटता था। तो पाकिस्तान और इंडिया के मबेन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन ज्यादा मैच जीता होगा, तो शायद आपसे आप ऐसे बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के मबेन ज्यादा मैचेस कौन जीता है। तो मैच पॉइंट पे ये टाइम हुआ है आपको बताने का कि ज्यादा मैचेस कौन जीता है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट ग्राउंड्स, पाकिस्तान का पल्ला इंडिया के ऊपर हमेशा से भारी रहा है। वो क्यों रहा है कि जो तीन दहाइयां थी 60 की, 70 की, 80 की और 90 की, दोज वर द टाइम्स व्हेन पाकिस्तान वाज टेकिंग इंडिया एज ग्रांटेड। इमरान खान पाकिस्तान हो या वसीम अकरम पाकिस्तान हो या वकार यूनस पाकिस्तान हो, दे वर टेकिंग इंडिया एज अ ग्रांटेड इवन इन द इंडियाज होम। उसके बाद 2005, 2004, 2000 जब 2000 का सदी आई और कुछ उससे पहले सौरव गांगुली मैदान में आए, ही वॉज द फाइटिंग टाइगर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने इंडिया की टीम के अंदर एक जीत की ऐसी रूप भोंकी कि सारा एक जो सर्किट था क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान का, वो सर्किट चेंज हो गया। चेंजेस आई, पिछले प्लेयर्स जाना शुरू हुए, कुछ प्लेयर्स रह गए, और उसके बाद राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, और बड़ी जबरदस्त एक इंडियन टीम आई। सहवाग की ओपनिंग आई और इंडिया की टीम एक नए मंजिल की तरफ चल निकली। सौरव गांगुली खुद तो अपने क्रिकेटिंग करियर में वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने जो इंडिया की टीम के अंदर जो जीत की रूप फूंकी, और उसके बाद विराट कोहली आए और सचिन का एंड आया, और उसके बाद इंडिया की टीम इज ऑल टुगेदर नाउ इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इज वन ऑफ द बेस्ट इन द क्रिकेटिंग सर्किट, लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने उनको आड़े हाथ लिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, वो उसकी
दुनिया या क्रिकेट में और कोई मिसाल नहीं मिलती, और शायद अगर वहां विराट कोहली ना होते तो दुनिया की और कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान को उस ग्राउंड में 92,000 फैंस के आगे शिकस्त नहीं दे सकती थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको बताया था, शॉर्टली बताऊंगा। हेड टू हेड इंडिया 7 times बीटन पाकिस्तान इन द एशिया कप एंड 5 times ओनली पाकिस्तान हैज बीन एबल टू अचीव द विक्ट्री। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो इंडिया 55 दफा मैच जीत चुका है और पाकिस्तान 73 दफा 73 times मैच जीत चुका है। पाकिस्तान वर्सेज इंडिया हेड टू हेड अगर मैं भारत के अंदर बात करूं तो टोटल मैचेस 30 हैं जहां पर पाकिस्तान ने 19 मैच जीत रखे हैं और भारत की टीम को 11 मैच में फतह नसीब हुई। और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमजा जो है पाकिस्तान की शर्ट पहन के आए हैं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान की कैप्टेंसी के अंदर 25 मैच खेले गए जिसमें से 20 मैचों में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, 1 match ट्राई हुआ जबकि सिर्फ 4 matches में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। उन 4 matches में गया तो इतना ही आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। मैच पॉइंट का फोरम अलोंग विद द N6 सेज यू गुड बाय। अगर जिंदगी रही और दोबारा गेम में इकट्ठे हुए तो एक दोबारा एक पैनल लेके आएंगे। किस जगह कहां, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, येट नॉट डिसाइडेड, येट नॉट डिस्क्लोज्ड, बट विल बी बैक सून अगेन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।